स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शोम फन में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के सफर के बारे में जानने वाले हैं जिसने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी, जिन्होंने 1987 से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखा, परंतु किस्मत ने उनका तब साथ नहीं दिया। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में है जहाँ वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की, एक गजब के इंसान और नेता। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। जो का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रैटन, पेंसिल्वेनिया में हुआ। यह एक अपर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनके पिता पहले ऑयल बिजनेस में थे, परंतु इस बिजनेस में हुए लॉस के कारण इन्हें दूसरे शहर विल्मिंगटन डिलीवर जाना पड़ा। जो के पिता को वहाँ एक कार सेल्समैन की नौकरी मिली। वहाँ 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ डिलीवर से जो ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद जो ने अपनी लॉ की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ सायरकस से की। जो बाइडेन एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं थे, परंतु स्पोर्ट्स, थिएटर और पब्लिक स्पीकिंग में बढ़िया थे। इनकी एक कमजोरी भी है, उन्हें भाषण देते वक्त या लंबी बात करते वक्त तकलीफ होती है। वे बात करते वक्त रुक जाते थे, परंतु उन्होंने अपनी इस कमजोरी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। यह करने के लिए जो बाइडेन घंटों तक आईने के सामने खड़े होकर स्पीच देते थे। उसी दौरान 1966 में उन्होंने शादी भी की नेलिया हंटर से। उनसे उन्हें 2 लड़के और 1 लड़की हुई। इन्हें पहले से ही सामाजिक कार्य और राजनीति में रुचि थी। इसी के चलते वे 1972 में US के सेनेटर के पद के लिए मैदान में उतरे। वे इलेक्शन जीत भी गए, लेकिन उनकी जीत की खुशी वह ज़्यादा देर तक मना ना सके, क्योंकि उनके परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया कुछ ही दिनों के बाद जब वे इलेक्शन जीते। उस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और 1 साल की बेटी नाव में मारे गए, और उनके दोनों बेटे जीवित रहे, परंतु उन्हें कई इंजुरीज हुई। इसी के चलते उन्होंने राजनीति से ब्रेक लेने का विचार किया, परंतु उनके आसपास के लोगों के कहने के कारण उन्होंने अपना विचार बदला और राजनीति में सक्रिय रहे। वो अपने बेटों को देखने के लिए रोज़ाना वॉशिंगटन DC से विल्मिंगटन एमट्रैक ट्रेन से सफ़र करते थे, जिसके कारण उन्हें एमट्रैक, जो इस नाम से भी पुकारा गया। 5 साल सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने बच्चों की देखभाल करने के बाद उन्होंने 1977 में जील से शादी की, जो कि अच्छी आदत यह भी है कि वे अल्कोहल नहीं पीते। जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, जो ने बतौर सेनेटर 1973 से 2009 तक काम किया। 6 बार वह सेनेटर रह चुके हैं। वे 29 साल की उम्र में ही सेनेटर बन गए थे, जो कि अमेरिकी इतिहास के 6ठे सबसे कम उम्र के सेनेटर रहे। अपने सेनेटर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर काम किया, जैसे कंज्यूमर राइट और एनवायरमेंटल इश्यूज। 1987 में उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जाहिर की थी, परंतु एक विवाद के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। उसके बाद सीधा 2007 में उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन शुरू किया, परंतु उनके सामने ओबामा और हिलरी क्लिंटन जैसे पॉपुलर और तगड़े प्रतिस्पर्धी होने के कारण उन्हें तभी मौका नहीं मिला। लेकिन अपने कैंपेन रोकने के बाद जो ने ओबामा को अपना समर्थन दिया। उसके पश्चात ओबामा ने उन्हें 2008 के इलेक्शन के लिए अपना रनिंग मेट चुना, और 2009 में वे ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट बने। वे अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर से 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद वो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट बने। ओबामा और जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो दोनों अपने ब्रोमांस के लिए काफ़ी चर्चा में रहे। 2017 में उन्हें प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा गया ओबामा के द्वारा। जो 2016 में भी प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिलरी क्लिंटन को यह मौका दिया। लेकिन अब 2020 में जो बाइडेन ने अपना बरसों पुराना सपना पूरा कर लिया है। वे अमेरिका के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन USA के 46वें प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 2020 के चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। इनके रनिंग मेट कमला हैरिस USA की वाइस प्रेसिडेंट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे किसकी बायोग्राफी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।